लोग बहुत एलियस हो जाएंगे। सो प्रेस रिपोर्टर में क्या हुआ कि सभी जब नेताएं निकल गए तो हमारे नाना पाटेकर जी गुजर रहे थे और प्रेस रिपोर्टर दौड़ते दौड़ते गए, उन्होंने कहा कि सर 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 मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। तो नाना पाटेकर जी ने कहा पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो कहा सर आपका एक बेटा है और उसे आप मार्केट में कब लॉन्च कर रहे हैं। तो कहा क्या समझ के रखा है तूने मेरे बेटे को, वो टमाटर है भिंडी है जो मैं उसे मार्केट में लॉन्च करूंगा। नहीं 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 सर, मेरा मतलब है सर आप अपने बेटे को ब्रेक कब दे रहे हैं बॉलीवुड में। आई डोंट लाइक एनी काइंड ऑफ ब्रेक, मैं इतना बोलता हूँ मुझे किसी ने ब्रेक दिया इसीलिए साला मैं अपनी गाड़ी में भी ब्रेक नहीं रखता हूँ। आप लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति, एक बार क्या हुआ नाना पाटेकर जी ऐसे कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच गया अमिताभ बच्चन साहब की जगह और उनको एक घरेलू महिला से सवाल जवाब करना था। नाना पाटेकर सामने हॉट चेयर पर बैठे हुए हैं, महिला बैठी हुई है। नाना पाटेकर इधर इधर लालची औरत देख तेरी आंखों में कितना लालच भरा हुआ है, इधर आ। अच्छा है घर में एक पति संभला नहीं, यहाँ गए करोड़पति बनने लालची औरत। अच्छा है इधर बैठ 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 और मेरे एक सवाल का जवाब दे, बता मेरी उम्र कितनी है, ए 40 साल, बी 45 साल, सी 50 साल या डी 55 साल। महिला ने कहा सर मैं एक फोन ऑफ फ्रेंड लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगी, किसी अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछना करो। नाना पाटेकर लाइफ लाइन फोन ऑफ फ्रेंड क्यों आई तू यार, तेरी पहचान क्या है, भगवान ने जुबान दे दिया, इससे मांगो उससे मांगो इससे पूछो उससे पूछो, खुद का दिमाग नहीं लगाना। कलम वाली भाई सही बता इसको मेरे बारे में कि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ, अब पता मेरी उम्र कितनी है। महिला सर ए 40 साल, बिल्कुल सही जवाब कैसे मालूम, सर मेरे घर में मेरे 20 साल का छोटा भाई आधा पागल है, अब 40 साल कितना। दोस्तों हद तो तब हो गई जब आप लोगों ने एक मूवी देखी थी डर्टी पिक्चर, डैडी पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा गाना था ऊ लाला मैं हूँ तेरी फैंटेसी, और छूना ना अब मैं जवां हो गई। तो जिस सिंगर ने गाना गाया था नाना पाटेकर जी रात के 2 बजे खिड़की से उसके बेडरूम में पहुंच गए और नाना पाटेकर ने कहा इधर इधर बता तुझे कहाँ छूना है। महिला ने कहा सर कैसी बातें कर रहे हो आप, क्या बोल रहे हैं आप, क्यों कल तू ही तो चिल्ला रही थी छूना ना नाना आ गया छूने, बता कहाँ छूना है, साथ में लाला को भी लेके आए ऊ लाला उसको भी बुला ला। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और हाँ एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आज मैं यहाँ पे जो आया हूँ जो भी कुछ हूँ तो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे डैली स्क्वाड टैलेंट को। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग लाइफ में अगर आपके अंदर कुछ कला है हुनर है, अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी जगह आके परफॉर्म करें, आपको भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, सो आप लोगों को कुछ नहीं करना, 2 से 3 मिनट की एक वीडियो बनानी है अपनी, एक आप वीडियो क्लिप बनाइए और हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डैली स्क्वाड टैलेंट का, अगर आप जाएंगे आपको वेबसाइट मिलेगी, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी वीडियोस को शेयर करें हमारे साथ में, उसके बाद उस वीडियोस को हम अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे और वहां से अगर हमें लगेगा आपके हुनर में है दम और आपके उसमें है जान तो हम आपको एक बार अपने स्टूडियो में आके बुलाने का काम करने का मौका, और साथ में हम आपको टीवी शो तक भी लेके जाएंगे और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे खान सर के लिए। सो जोरदार तालियां हो जाए अगर हमारे डैली स्क्वाड टैलेंट के हमारे फाउंडर है हमारे सर, इन्होंने आज मेरे को यमन शेयर करने के लिए दिया, तो जोरदार तालियां हो जाए। और इसी के साथ मैं आपको बात खत्म करना चाहूंगा, लेकिन हाँ अगर आप लोगों में से किसी की वीडियो नहीं आई तो मैं शिवाजी राव अगले मराठा, ये हिंदू का खून होगा या मुसलमान का खून होगा, उधर ही आऊंगा एक एक का रायता बनाऊंगा और खुद खा के मोहल्ले में बांटूंगा, बाद में बोलना कि मैंने बताया नहीं। अच्छा है, जय हिंद जय भारत जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, जोरदार तालियां। ओके सो नेक्स्ट परफॉर्मेंस, ओके डांस, ओके स्नेहा, स्नेहा ग्रुप के लिए एक बार जोरदार तालियां, कम ऑन गिव अ बिग हैंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।